और दोस्तों, आज 27 अप्रैल 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है 5paisa का, उसके थ्रू आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और फंड ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेज सकते हैं। वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ आपको जो है ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। एक बात और थी कि हमारा जो है मेंटरिंग प्रोग्राम रीपैकेज और रीडिज़ाइन होके निकला है और यहाँ पे हम हफ्ते में 3 बार लोगों को अपने साथ बिठाएंगे और उन लोगों को मार्केट स्ट्रेटजीज, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह सब चीज़ का ज्ञान दिया जाएगा। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, 1 महीने का प्रोग्राम है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9871066337 पर डिटेल्स के लिए। अब आज जो है S&P 500 जो है वो देखने का टाइम है। आप ये देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी ये बार्स हैं और आज कुछ ग्रीन नज़र आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये यहाँ पे सपोर्ट देखिए और यहाँ पे ये बार का साइज़ देखिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम नैसडैक पे देखें तो वहाँ भी बड़ा ताबड़तोड़ सेलिंग के बाद एक बहुत मामूली ग्रीन बार बन रही है। तो मेरे हिसाब से मामूली सपोर्ट ही यहाँ पर मिल रहा है और फाइनली ये वापस नीचे की तरफ ब्रेक हो सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें एक ये नैरो रेंज नज़र आ रही है 17200 से 16900। तो आज जो है हमने सजेस्ट किया है कि 16600 किया मई मंथ का पुट लिया जाए और अगर ये 16800 850 टूटता है तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड यहाँ मिल सकती है। इस ट्रेड का स्टॉप होगा 16200। तो मेरी थिंकिंग ये है कि अभी तक जो है बाजार बॉटम आउट नहीं हुए हैं। अगर हम 15 मिनट का चार्ट लगाएं तो आज भी ऑल दो गैप अप हुआ, लेकिन गैप डाउन हुआ, बट मार्केट को बहुत ज़्यादा उससे फायदा नहीं हुआ क्योंकि मार्केट जो है रेंजिंग ज़्यादा कर रही है और किसी तरफ मूवमेंट का स्कोप कम है। तो बेसिकली क्या है कि इस तरह की नैरो बार्स, इनडिसाइसिव बार्स जो हैं इस वक्त निफ्टी पे बन रही हैं और बैंक निफ्टी पे जाएं तो बैंक निफ्टी में भी आज गैप डाउन हुआ और वापस हम ओपनिंग के आसपास ही वापस आ गए। बैंक निफ्टी में भी ये डिसाइसिव स्ट्रॉन्ग बार नहीं है। तो यहाँ भी जो है आपको जो है 35800 नीचे की तरफ और 36600 के बीच में ये रेंजिंग एक्शन नजर आ रहा है। तो इमीडिएटली ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़बरदस्त कोई ब्रेकआउट आने वाला है। सारे बाजार जो हैं वो एक तरह से स्टैंड स्टिल हैं और अब जो है जब तक वो एक तरफ ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमें कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 17,000 पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। यहाँ पे
1700 पे बहुत मैसिव कॉल राइटिंग है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो अभी भी 17,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग खड़ी है, लेकिन वहीं 17,000, 17,100, 200 यहाँ पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। मेरे हिसाब से जब तक ये मार्केट एक तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक बड़ा मुश्किल होगा बाजारों के लिए एक तरफ जाना। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में 36,000 पे कॉल और पुट राइटिंग दोनों है। अगर हम चेंज इन ओआई देखें तो यहाँ भी 36,000 पे बहुत मैसिव कॉल राइटिंग है। तो एक बारी ये 17,000 और 36,000 टूटता है तो हमें जो है स्ट्रॉन्ग एक्शन एक तरफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कल का दिन शायद वॉलेटाइल रह सकता है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारे लिए फिलहाल 16,900 और 17,200 की रेंज है, और बैंक निफ्टी में 35,800 और 36,600 की रेंज है ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल देखना पड़ेगा कि आज S&P 500 कहाँ बंद होता है। बहुत ज़्यादा जो है बॉन्ड यील्ड वगैरह में इतनी मूवमेंट नहीं है। बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ऊपर गई है, ब्रेंट जो है 105 पे है, तो वहां भी बहुत मेजर एक्शन नहीं है। एक जो मेजर एक्शन है वो है डॉलर इंडेक्स पे, और वहां ये देखें 103 पे जा रहा है, 103। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, और इसकी वजह से पैसा जो है इक्विटी मार्केट से निकलेगा। आज आप देखो तो 4,000 करोड़ जो है बेचा है FIs ने। तो ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम जो है टाइम लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इमीडिएट इस एक्सपायरी अगली एक्सपायरी में काम करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा व्यू समझ में आया होगा, जो कि बहुत एक साइडवेज टाइप का व्यू है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई, और कल सुबह मिलते हैं एक नई प्री मार्केट रिपोर्ट के साथ, और देखते हैं कि कहाँ ग्लोबल मार्केट्स बंद हुई हैं। टेक केयर एंड गुड नाइट।